जनता ने, मैं सरकारी कर्मचारियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। एक दिन की सैलरी ना मिलने पर सरकार कर्मचारी सड़कों पर आ जाते थे, उनको डीए भी देंगे, उनको एरियर भी देंगे। सरकारी कर्मचारियों ने आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए अधिकारी ने 5 दिन तक अपना योगदान हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया। सदन में सीएम सुक्खू ने की कर्मचारियों की तारीफ। सीएम बोले, कर्मचारियों ने दिया धैर्य का परिचय। जहां 1 तारीख को कर्मचारियों को सैलरी ना मिलने पर सड़कों पर उतर आते थे कर्मचारी, लेकिन इस बार 5 तारीख तक भी सैलरी मिलने पर कर्मचारियों ने सरकार का साथ दिया। किसी ने भी विरोध के स्वर नहीं उठाए। सीएम सुक्खू बोले कि हम कर्मचारियों को डीए भी देंगे, एरियर भी देंगे, लेकिन अभी हिमाचल की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। जैसे ही सुधार होगा, कर्मचारियों को उनके देय लाभ दिए जाएंगे। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने यह भी कहा, हिमाचल में किसी भी उपभोक्ता की 125 फ्री यूनिट बिजली खत्म नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बिजली केवल उन बड़े बड़े उद्योगपति और कारोबारियों की बंद की गई है जो होटल चलाते हैं या बड़ा कारोबार करते हैं, जो 1 लाख से 5 करोड़ तक इनकम टैक्स दे रहे हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, हमने अभी 125 यूनिट सब्सिडी किसी की भी बंद नहीं की है। हमने कोई भी अभी 1 फैमिली 1 मीटर अभी नहीं लागू किया है। कैबिनेट ने फैसला किया है, सोच विचार किया जा रहा है कि हमने कैसे करना है। हमने सिर्फ उनकी बंद की है जो 5 स्टार होटल्स है, जो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए और 10 करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल है, ताज है, सीसल है, बड़े बड़े होटल धर्मशाला खुले हैं, बाली जी का JW मेरिट है, इन सबकी हमने सब्सिडी बंद की है। उसका असर बाली जी के होटल पर भी होगा, आशीष पटेल के होटल पर भी होगा, सुंदर ठाकुर के भी होगा, और जो आपके होटल वाले हैं जिनकी 1 रुपया कमर्शियल इनका भी चलता है, तो 1 रुपया हमने सब्सिडी बंद अभी। और इसके जो चार पार्ट है, पहला पार्ट है कल, दूसरे पार्ट की हमारी दूसरा पार्ट 14 प्रकार की सब्सिडी, आप नहीं कह रहा, पिछले काफी सालों से 14 प्रकार की सब्सिडी चली हुई थी, 14 प्रकार की सब्सिडी चली थी। अदानी अबानी को भी 1 रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं प्रति यूनिट बिजली की। क्यों दे रहे हैं? करोड़ों का इनकम टैक्स दे रहे हैं। हमने उसकी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद मैंने कहा कि सब प्रकार की बिजली का बताइए। अभी हमने कोई 100 की बंद नहीं की है, और हमने कहा है कि हम स्टेज टू में कल हमारी प्रेजेंटेशन है, कल प्रेजेंटेशन के बाद, और बिजली का कोई अंत नहीं है। 300 यूनिट से भी ज्यादा 1000 यूनिट तक आप 1 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। इतने निचले स्तर तक मैं खुद देख रहा हूं। हम बिजली बोर्ड में ऐसे धक्के से नहीं कर रहे कि हम माफ कर रहे हैं। और मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, किसी गरीब आदमी को अगर 300 यूनिट हमारी सरकार ने वादा किया है, उस गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली भी मिलेगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं। और 1500 का आपने सवाल नहीं सुना, मतलब आप हल्ला जल्दी करते हैं, आप थोड़ी सहजता से आज ठीक चलो चले चले। और आपको आपको मैं बता रहा हूं, आप रुकिए तो सही, प्लीज। अगला सुन, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, नो इंटरप्शन प्लीज। एक, इन्होंने राजीव गांधी स्वरोजगार की योजना की बात की है, उसके SOP बन गए हैं और अभी वो आपके आने वाले हैं, क्योंकि 5 महीने हम राजनीतिक उथल पुथल में रहे, क्योंकि 5 महीने पहले फरवरी में मैंने घोषणा की वो SOP आने वाले हैं और हिमाचल के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। कल ही मैंने आपको एक बात बताऊं, कल ही हमने जो अपने पहले बजट में कहा और दूसरे बजट में कहा, उसकी कल ही मैंने 100 इलेक्ट्रिकल टैक्सीज सरकारी दफ्तरों में देने के लिए अनुमोदन कर दिया 100 एक दो महीने में। हम जो सोचते हैं, हम जुनूनी होके सोचते हैं, काम करने का जज्बा है। सत्य जी मेरी नेचर को, स्वभाव को आज से नहीं पहले से जानते हैं। विपिन परमार जी खिसक गए, ये भी जानते हैं। रणधीर जी भी बैठे हुए साथी है, तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रदेश हम लोगों का है, और हम लोगों का आज हम सत्ता में हैं। हमें हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर हमारी सरकार अग्रसर हो चुकी है। अगला बजट आप जब देखोगे तो पाओगे कि सच में इसमें
कुछ प्रभाव पड़ा है। और 2032 में ये नहीं है कि वहाँ रुकना है, 2032 में सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना है, जब हरेक सब जब हरेक के आदमी इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। किस चीज में नहीं हम सुधार कर रहे? हॉर्टिकल्चर में हम सुधार कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम सुधार कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर में हम सुधार कर रहे हैं। टाइम बढ़ाना पड़ेगा फिर पांच मिनट। हम जनता एजुकेशन में हम सुधार कर रहे हैं, वहां जीरो जीरो एनरोलमेंट पर हमने टीचर बंद कर दिया, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। सैलरीज में ये कह रहे थे 9 करोड़, 3 करोड़ रुपए हमने हम सैलरी में जनता ने, मैं सरकारी कर्मचारियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जहां एक दिन की सैलरी ना मिलने पर सरकार कर्मचारी सड़कों पर आ जाते थे, उन सरकारी कर्मचारियों ने आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए अधिकारी ने 5 दिन तक अपना योगदान हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया। ये नहीं है कि हम उनको 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 नाराज करना चाहते हैं, उनको डीए भी देंगे, उनको एरियर भी देंगे, पर कब? जब सुधार की व्यवस्था होगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और आपने बात अच्छी रखी है, कुछ सुझाव आपने दिए हैं, जो नए सुझाव है आपके सुझावों को भी मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करूँगा नई पॉलिसी। और कुछ हमारे सुखराम चौधरी जी ने भी कहा है, वो जो आपके 2 पॉइंट्स मेरे दिमाग में हैं उनको भी उसमें डालने की कोशिश करूँगा। मैंने अपने जो नियम 130 के तहत एक अच्छा प्रस्ताव माननीय सदस्य कटवाल जी लेकर आए, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और माननीय सुखराम चौधरी जी का भी जिन्होंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये अपने संकल्प को